हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि जब भी हम कलर करते हैं तो वो हमें यूज होता ही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लॉन्डर के बारे में, जिसे बहुत लोग ब्लीच भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग को ब्लीच नहीं बोलना है। प्रोफेशनली भाषा में इसे हम बोलते हैं प्री लाइटनर। ब्लॉन्डर भी बोल सकते हो, लेकिन प्री लाइटनर सबसे बेस्ट है। तो आप लोग को मैं इसमें बताऊंगा डिटेल में कि यह हमारे हेयर्स पर कौन से लेयर्स पर काम करता है, इसे यूज कैसे करना है, ये कितना हद तक हमारे हेयर को खराब भी कर सकता है और कितना ज्यादा जरूरी भी है हमारे हेयर्स पर इसे यूज करना, और इसका हमें मिक्सिंग रेशियो क्या रखना है, सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। आप लोग का जो भी ब्लॉन्डर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूरा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस ब्लॉन्डर से रिलेटेड जो वीडियो है वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए आया है। तो दोस्तों कलर से रिलेटेड जो भी आप लोग का डाउट रहता है वो बहुत सारे वीडियोस में डेली अभी लाने वाला हूं। बहुत जल्द पूरा एक डिटेल में वीडियो आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कलर के ऊपर बातें करते रहेंगे कि कलर्स में आप लोग का जो भी डाउट है वो सारे क्लियर करेंगे। तो जो भी डाउट रहेंगे वो कमेंट्स कर देना। फिलहाल आप लोग ये ब्लॉन्डर का वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक, ताकि आप लोग का जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ, लेकिन जरूर दोस्तों लाइक जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉन्डर के ऊपर। तो ब्लॉन्डर हर एक कंपनी बनाती है, जैसे कि लॉरियल होगा, स्ट्रिक्स हो गए, शॉस्कॉफ हो गए, वेला हो गए, जो भी कंपनी हो, सारी कंपनियां ब्लॉन्डर बनाती हैं, क्योंकि ब्लॉन्डर हमारे हेयर्स में जब कलर करते हैं तब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग, उसमें हमें हमारे ट्यूब से हमें उतनी लिफ्टिंग नहीं मिल पाती। अगर डेवलपर हम 40 वॉल्यूम में भी यूज कर रहे हैं तो हमें उतनी लिफ्टिंग नहीं मिल पाती, तब हमें यूज करना पड़ता है ब्लॉन्डर, और ब्लॉन्डर की हेल्प से, उसकी मदद से हम एक अच्छा सा कलर अचीव कर पाते हैं जो कि हमारे क्लाइंट को चाहिए। तो ज्यादा लिफ्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लॉन्डर। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये जितना अच्छा है उतना ज्यादा स्ट्रांग भी है। स्ट्रांग यानी कि आप लोग को इसे हेयर्स पर उतना ही यूज करना है जितना कि आप लोग का जरूरी है, यानी कि मैं डेवलपर की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग को 20 वॉल्यूम से आप लोग का वर्क हो जा रहा है तो आप लोग को 30 या 40 यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही ज्यादा ये लिफ्टिंग देता है उतना ही ज्यादा बालों को ड्राई भी करता है, और अगर आप लोग ने उसे ऐसे कुछ थीन या पतले हेयर्स पर यूज कर दिए तो काफी केमिकल ये स्ट्रांग है, तो आप लोग के हेयर्स को पूरी तरीके से जला सकता है या फिर ये बर्न होकर टूट सकता है। तो आप लोग को ध्यान देना है और हेयर्स को हमेशा चेक करना है कि इस पे कौन से लेवल का हमें हमारा जो डेवलपर है यूज करना है ब्लॉन्डर के साथ, और फिर उसे यूज करना है। तो आप लोग को मैं बता दूं, अगर हीना कोटेड हेयर है या फिर डाई हेयर है तो उस पर आप लोग कर सकते हो ब्लॉन्डर, क्योंकि उस पर ब्लॉन्डर किए बिना आप लोग अगर ट्यूब से कलर करोगे तो आप लोग को हेयर्स में कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आप लोग मैं बता दूं कि जो हम ब्लॉन्डर यूज करते हैं इसका मेन काम क्या होता है, क्यों हमें डाई और हीना कोटेड हेयर्स पर इसे यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जब हम हीना कोटेड हेयर्स या फिर डाई हेयर्स जब हम हेयर्स पर हम चेक करते हैं तो देखते हैं पूरा कोटिंग हुई रहती है, यानी कि जो कोटेक्स हेयर होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक रहते हैं। तो हम जब इसे ब्लॉन्डर को यूज करते हैं तो ये ब्लॉन्डर क्या करता है, ये प्रीलाइटनर हमारे हेयर्स के जो कोटेक्स होते हैं उसमें के पूरे पिगमेंट्स को ही खत्म कर देता है, यानी कि डाई हीना जो भी रहते हैं वो पूरी तरीके से निकाल देता है। अगर वर्जिन हेयर पर यूज करोगे तो हमारे हेयर्स के पिगमेंट्स को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और अगर हीना और कोटेड या फिर डाई हेयर्स वाले आप लोग हेयर पर यूज करोगे तो उस पर जो भी हमने कोटिंग किया है हीना कोटेड की वजह से डाई की वजह से वो पूरी तरीके से निकाल देता है। तो अगर वो वर्जिन हेयर्स के पिगमेंट्स को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है तो डाई और हीना को तो निकाल ही सकता है, बट हीना कोटेड और डाई हेयर्स पे हमें 2 से 3 बार आप लोग को यूज करना पड़ सकता है ब्लॉन्डर। जैसे कि आप लोग ने एक बार यूज किया 30 वॉल्यूम से तो वो कम से कम 6 to 5 लेवल तक लिफ्ट हुआ, तो उसके बाद में आप लोग को फिर से यूज करना है। बट अगर पहली बार 40 वॉल्यूम से यूज कर दियो तो आप लोग को 30 वॉल्यूम से यूज नहीं करना, या फिर वापस से 40 वॉल्यूम से यूज नहीं करना, आप लोग को 20 वॉल्यूम से यूज करना है, क्योंकि 40 वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हेयर को ड्राई कर देता है, लिफ्टिंग तो देता है लेकिन ड्राई बहुत कर देता है। लेकिन आप लोग 20 वॉल्यूम से यूज करके आप उसका लिफ्टिंग रेशियो और बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप लोग उसे 8 या 9 लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आप लोग को तो पता होगा कि जो हमारा नेचुरल बेस होता है हमारे हेयर्स के वो 1 से लेके 10 तक रहते हैं, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइटेस्ट ब्राउन, फिर उसके बाद में डार्क ब्लॉन्ड, बाद में उसके बाद में हो गया लाइटेस्ट डार्क ब्लॉन्ड। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रहनी चाहिए, जिससे कि आप लोग पता कर पाओ कि आप लोग के हेयर्स का डेप्थ क्या है, यानी कि उसका जो हमारा हेयर्स का जो टेक्सचर है वो कौन से लेवल तक है, उसके बाद आप लोग उस हिसाब से ब्लीच यूज करना है या नहीं। अगर आप लोग का ट्यूब से ही वर्क हो जा रहा है कलर तो आप लोग को ब्लीच की जरूरत नहीं है, आप लोग खाली ट्यूब से ही 30-40 वॉल्यूम से आप लोग अपना जो भी कलर अचीव करना चाहते हो अचीव कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, आप लोग के हेयर्स है 3 नंबर के और हमारे क्लाइंट को चाहिए 7.35,
तो अब ये 7.35 जो कि आप लोग को पता है मोहगनी गोल्डन लाइट ब्लॉन्ड कलर है, तो आप 7.35 हम तीन नंबर के हेयर्स पर कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि 7 और 3 काफी डिफरेंस है, 7 यानी कि 4, 5, 6, 7 चार लेवल हमें लिफ्ट करना है, और चार लेवल आप लोग सिर्फ 7.35 यूज करके 40 वॉल्यूम भी यूज करोगे तो हमें उतनी लिफ्टिंग नहीं मिलेगी, तब हमें यूज करना पड़ता है प्रीलाइटनर। जी हाँ दोस्तों, तब हमें प्रीलाइटनर यूज करना पड़ता है, और प्रीलाइटनर हम लोग जब भी ग्लोबल करना हो, जैसे 7.35 हो गया या फिर 8.3 हो गया, ऐसे कोई कलर करने, तब आप लोग को यूज करना है ब्लॉन्डर, और ब्लॉन्डर हमेशा आप लोग को ग्लोबल करने से पहले यूज करना है, उतना लिफ्टिंग रेशियो ले जाना है, तो 20 वॉल्यूम से ही यूज करेंगे, ये नहीं कि आपने 40 वॉल्यूम कर दिया, क्योंकि हेयर्स काफी ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, तो 30 और 40 वॉल्यूम आप लोग को यूज नहीं करना है, आप लोग को यूज करना है 20 वॉल्यूम, और उसके बाद में 20 वॉल्यूम अच्छी तरीके से आप जिस तरह ग्लोबल करते हो उस तरह लगा लेना है, और इसका मिक्सिंग रेशियो होगा 1:2, यानी कि आप लोग का जितना ब्लॉन्डर होगा उसका डबल, यानी कि 60 ग्राम अगर आप लोग का ब्लॉन्डर है 20 ग्राम आप लोगों का होगा डेवलपर, और डेवलपर 20 वॉल्यूम, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से, और जब हमारे हेयर 7 to 8 लेवल तक पहुंच जाए उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से वॉश कर देना है, और वॉश करने के बाद में आपको जो भी आप लोगों का कलर डिपॉजिट करना है 7.35 या फिर 8.3 आप लोग इसे डिपॉजिट करिए, और उसके बाद आप लोग अपना कलर देखेंगे कि आप लोग अचीव कर पा रहे, तो 20 वॉल्यूम से आप लोग को यह वर्क करना है, 7 to 8 लेवल तक आने तक आप लोग को वेट करना है, वो आ जाए तब आप लोग को करना है आप लोग का कलर डिपॉजिट, और कलर डिपॉजिट हमेशा 20 वॉल्यूम से ही करना है, ये नहीं कि आप लोग ने कलर डिपॉजिट 30 वॉल्यूम से कर दिया। सबसे मेन बात जो कि बहुत सारे क्लाइंट करते हैं कि आप लोग प्रीलाइटनिंग अगर कर रहे हो, जैसे ग्लोबल कलर करना है हमें, जो कलर अचीव करना है उसमें हम लोग अगर प्रीलाइटनिंग कर रहे हैं हेयर्स पर लेंथ पर, तो आप लोग को स्कैल्प पर बिल्कुल भी ब्लॉन्डर यूज नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्प ऑलरेडी हमारा काफी ज्यादा हीट होता है, और अगर आप लोग ने ब्लीच यूज किया स्कैल्प में काफी ज्यादा चांसेस है कि आप लोग के हेयर्स वहां से बर्न हो सकते, टूट सकते, तो ब्लॉन्डर कभी आप लोग को स्कैल्प पर यूज नहीं करना है, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोग को दे रहा हूं कि काफी स्ट्रांग केमिकल होता है ब्लॉन्डर, तो आप लोग को स्कैल्प पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप लोग के पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिसे फैशन कलर चाहिए, फैशन यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऐसे टाइप के कोई भी अगर क्लाइंट आ रहे हैं कि जिनको फैशन कलर चाहिए, तब आप लोग को डायरेक्टली अगर रेड या ग्रीन यूज करोगे तो आप लोगों को कलर नहीं मिलेगा, तब आप लोग को यूज क्या करना है, आप लोग को यूज करना है ब्लॉन्डर, ब्लॉन्डर आप लोग को यूज करना है 20 या फिर अगर ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए तो 30 वॉल्यूम यूज कर सकते हो, अगर टेक्सचर ज्यादा थीक है तो आप लोग 30 वॉल्यूम यूज करिए, और उसके बाद में जब आप लोग को 8 to 9 लेवल तक आप लोग को लिफ्टिंग मिल जाए उसके बाद आप लोग यूज करो, आप लोग का जो भी फैशन कलर है रेड, ग्रीन, ब्राउन, वायलेट, जो भी कलर है आप लोग यूज करिए और अपना फैशन शेड का कलर पूरा करिए। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि जब हम लोग प्रीलाइटनिंग यूज करते हैं एक नॉर्मल हेयर्स पर यानी कि ब्लैक हेयर पर, तब ये कौन कौन से स्टेज पे होकर और फिर हमें एक प्रीलाइटनिंग वाला एक हमें लुक मिलता है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अगर आप लोग ब्लैक हेयर्स पर, जैसे कि हमने प्रीलाइटनिंग लगा दी, एप्लीकेशन कर लिया है, सबसे पहला स्टेज जैसे कि आप लोग को पता है ब्लैक हेयर है ही, और ब्लैक हेयर के बाद ये जाता है ब्राउन वाले स्टेज पे, ब्राउन स्टेज पर जाने के बाद ये थर्ड वाले स्टेज जाता है रेड। जी हां दोस्तों, रेड वाले पिगमेंट्स हमारे हेयर्स में हमेशा होते हैं, तो नॉर्मल सा ये रेड टाइप कि इसमें आ जाएगा, और रेड के बाद में जाता है रेड गोल्ड टाइप में, और रेड गोल्ड होने के बाद में फिर ये जाता है गोल्ड में, और गोल्ड के बाद फिर जाता है येलो, और फिर उसके बाद में पेलेस्ट येलो। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होकर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से होकर फिर ये हमें एक प्रीलाइटनर वाला लुक देता है। तो आप लोग को मैं हमेशा एक गाइड करना चाहूंगा कि जब भी प्रीलाइटनर यूज करो तो हाइलाइट्स करना हो तभी यूज करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग ग्लोबल के लिए ये प्रीलाइटनर यूज मत करिए, क्योंकि हेयर्स काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो हाइलाइट्स हो तभी आप लोग प्रीलाइटनर यूज करिए। अगर क्लाइंट नहीं मान रहे, उनको उतना लेवल का लिफ्टिंग चाहिए, डिजायर शेड उनको काफी ज्यादा हाई चाहिए, तब आप लोग प्रीलाइटनर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी जितना हो सके डेवलपर आप लोग 20 या 30 में ही वर्क करने की कोशिश करें, 40 वॉल्यूम यूज करने की कोशिश मत करें। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि जब हम हाइलाइट्स करते हैं या फिर फ्रेंच बालियाज करते हैं, ग्लोबल करते हैं, तो आप लोग को एक मिक्सिंग रेशियो क्या रखना है, मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग जब भी ब्लीच यूज करो तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे समझ लीजिए कि हमें करना है हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स में आप लोग रख सकते हो 1:2, यानी कि पतला पेस्ट बना सकते हो 1:2 का। जैसे कि आप लोग ने 60 ग्राम लिया ब्लॉन्डर, तो आप लोग 120 ग्राम ले सकते हो अपना डेवलपर, और वो 20 या 30 लेना है, 40 बिल्कुल भी नहीं लेना है, हेयर्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। अगर समझ लीजिए डाई या फिर हीना कोटेड हेयर है, तब आप लोग 30 का यूज करिए, या फिर आप लोग 20 यूज करिए अगर नॉर्मल हेयर्स हैं तो।
और अगर आप लोग को फ्रेंच बालियां, जैसे कि आज आप लोग ने देखा फ्री हैंड टेक्निक से हम लोग जो हाइलाइट्स करते हैं, आप लोग ने देखा होगा मेरे वीडियोस में, अगर नहीं देखा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाइए, वहां पर आप लोगों को काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे जहां पर आप लोग सीख सकते हो कि किस तरह हमें कलरिंग करना है। तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाइए फॉलो करिए। तो फ्रेंच बालियां जब हम करते हैं तब इसका मिक्सिंग रेशियो हमेशा आप लोग को 1:1 ही रखना है। क्यों? जब हम इसे फ्री हैंड टेक्निक से, जब हम इसे अच्छी तरीके से हाइलाइट्स करते हैं, जो कि हम लोग वी टाइप में करते हैं, आप लोग को पता है कि ऊपर की तरफ से वी आते हुए लास्ट में एकदम पूरा डार्क करना है। आप लोग जब भी फ्रेंच बालियाज करो तो आप लोग का मिक्सिंग रेशियो 1:1 होगा, ताकि हमारा पेस्ट ज्यादा पतला ना हो, ताकि अगर आप लोग फ्री हैंड टेक्निक से ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो तो हमारा जो प्री लाइटनर है, जो ब्लॉन्डर है, वो नीचे ना गिरे। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा थिक ही बनाना है, यानी कि 1:1 का रेशियो रखना है। हाइलाइट्स के लिए तो हम फॉइल पेपर में पैक करते हैं, तो पतला आप लोग पेस्ट बनाओगे 1:2 का तो भी चलेगा। और अगर आप लोग ग्लोबल कर रहे हो तो उसमें भी आप लोग 1:2 रख सकते हो, क्योंकि हमें काफी हेयर्स पे मल्सिफाई करना पड़ता है, तो 1:2 ही रखिए। और अगर समझ लीजिएगा आप लोग कोई स्ट्रिक्स या फिर मैजिक कैप, जैसे कि हम लोग हेयर्स पर कैप पहना के उसमें से हेयर्स निकालते हैं और देन उस पर हम अच्छी तरीके से हमारा पेस्ट लगाते हैं ब्लॉन्डर का हाइलाइट्स करने के लिए, अगर इस टाइप का आप लोग हाइलाइट्स कर रहे हो तो उसमें भी आप लोग को 1:1.5 रखना है, 1:2 नहीं रखना है, क्योंकि जब हम कैप पे लगाते हैं वो पतला पेस्ट रहेगा तो नीचे आ जाएगा। तो आप लोग को 1:1.5, यानी कि जितना आप लोग का ब्लॉन्डर उसका 1.5 गुना आप लोग को लेना है डेवलपर। तो आप लोग 1:1.5 या फिर 1:1 का भी रेशियो रख सकते हो। आई होप कि आप लोग का ब्लॉन्डर से रिलेटेड जो भी डाउट था वो सारे डाउट मैंने आज इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों यहां तक आ चुके और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर लीजिए, और चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि दोस्तों काफी मेहनत लगती वीडियो बनाने में। आई होप कि आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह गया है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइलिश रोहित, आप लोग मुझे वहां पर आके फॉलो करिए, मैसेज करिए जो भी आप लोग का डाउट है, या फिर आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, कलर से रिलेटेड काफी वीडियोस अभी मैं लेकर आने वाला हूं, जो भी आप लोग का कलर से रिलेटेड डाउट है वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे, आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना, स्क्रीन पर जो भी वीडियो आ रहे हैं वो देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और इसी तरह आप लोग अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।